ओके तो अपने अभी तक 6 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ओके जिसमें से 4 एक्सपेरिमेंट तो अपने इंडक्शन मशीन के हैं और 2 एक्सपेरिमेंट अपने सिंक्रोनस मशीन के हैं। ओके एक एक्सपेरिमेंट अपना बच गया था इंडक्शन मशीन का, दैट वॉज सर्कल डायग्राम। सी दिस, ये तो हमने कर लिया था। टू परफॉर्म नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, ये कर लिया था। ओके अब नेक्स्ट जो मैंने कहा था क्लास में मैं पढ़ा दूंगा तब करेंगे, तो ये सर्कल डायग्राम हम क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं अभी आपको वापस रिवाइज कर दूंगा। तो ये सर्कल डायग्राम से पहले हमें ये एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्यों? क्योंकि इन्हीं का डाटा यूज लेके ही हम बेसिकली क्या बनाते हैं, सर्कल डायग्राम बनाते हैं। ओके तो हमारा जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 7, आप उसको क्या लिखेंगे, लेट मी सी दिस दिस, ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था आपने, तो सिर्फ अपनों ने यहाँ तक पढ़ा था। टू परफॉर्म नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन ए 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, बस इतना। ओके दिस वॉज अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, उसको आप यहाँ लिखोगे, है ना, टू ड्रॉ दी सर्किल डायग्राम एंड कंप्यूट द फॉलोइंग एट फुल लोड स्लिप, टॉर्क, आउटपुट पावर, लॉसेस, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। तो अब यहां से अपना ये वाला पार्ट चालू हो गया। ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्किल डायग्राम क्यों बनाते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, सर्किल डायग्राम बेसिकली आप ये देख चुके हो, दिस इज द लेआउट ऑफ सर्किल डायग्राम। अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है इंडक्शन मशीन का, उसको उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करना, अलग अलग लोड पे क्या एफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, ठीक है। तो बेटर ये है कि भी अगर हम एक सर्किल डायग्राम बना दें, उसी जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसका हम सर्किल ग्राफिकल व्यू बना दें और उसके ऊपर कोई भी लोड ले लें, पर्टिकुलर जो भी हमें लोड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगी, ठीक है, स्लिप क्या रहेगी उस लोड पे। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन कैलकुलेट दिस विदाउट एक्चुअली लोडिंग द मशीन। ओके तो और अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं जिसमें हमें ये सर्किल डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ डाटा आपके इक्विवेलेंट सर्किट जो है हमारा इंडक्शन मशीन का, और उसको अगर याद होगा अपना इक्विवेलेंट सर्किट जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट था वो कुछ ऐसा था, लेट मी ड्रॉ इट। ओके यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, दिस वॉज R1 स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, X2' रोटर लीकेज रिएक्टेंस एंड R2' / S, है ना, दिस इज माई रोटर रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर स्लिप। और शंट ब्रांच पैरामीटर मेरे क्या क्या थे, मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट और वर्किंग कॉम्पोनेंट, सेम जो ट्रांसफॉर्मर में था। ओके ये कुछ ऐसे था। ओके सो दिस इज V1 एंड दिस इज I1, आप इसको I1' भी लिख सकते हो, और दिस इज नो लोड करंट I0, ये मेरा XM होगा और ये मेरा R0 होगा वर्किंग कॉम्पोनेंट। ओके यहाँ पे मेरा करंट होगा सपोज दिस वन I1। ओके दिस वॉज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसी को अगर मैं अब इसके अंदर आप ढंग से विजुलाइज नहीं कर रहे, सारे पैरामीटर्स हैं अगर हम सॉफ्टवेयर में डाल दें अभी, तो हर एक पर्टिकुलर लोड पे आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, जो भी इसका पैरामीटर चाहिए हमें, एफिशिएंसी, टॉर्क वगैरह, बट उसको आप ढंग से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो चीज़ आप देखने में ग्राफिकल अभी भी क्या सर्किल डायग्राम यूज में आ रहा है, क्योंकि ये इजी भी है और उसको आप कोई चीज को देख के आप आराम से विजुलाइज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में सिर्फ इनपुट डाटा डाला और आपको रिजल्ट मिल गया, तो उससे आप ढंग से क्लियर नहीं हो पाओगे। सो सर्किल डायग्राम की भी अपनी बेसिकली एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दी सर्किल डायग्राम। ओके तो बनाते कैसे हैं ये आप देख चुके हो, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट का डाटा चाहिए। ओके तो नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट हम पिछले एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट था, नो लोड में हम क्या करते थे, ओपन सर्किट होना चाहिए। तो अगर बेसिकली एट रेटेड, और जो नो लोड टेस्ट होता है वो किस पे होता है, रेटेड वोल्टेज, बेसिकली क्या क्या फाइंड करना है हमें, फिक्स्ड लॉसेस,
ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस हैं जो, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द फिक्स्ड लॉसेस इन इंडक्शन मशीन? बताओ, इंडक्शन मशीन के अंदर अगर देखो आपको पता होना चाहिए इंडक्शन मोटर का जो भी इसका डायग्राम है, पावर फ्लो डायग्राम। तो सबसे सबसे पहले वापस बनाते हैं, देखो पिक क्या होगा, मैं आपको वापस विजुलाइज बनवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा इनपुट पावर होगा, सी दिस इज माई इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल थ्री फेज इंडक्शन, ये किस में गया? स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर दिया। तो अब क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर कौन कौन से लॉसेस होंगे बताइए, एनीवन? स्टेटर वाइंडिंग के अंदर मेरे लॉसेस कौन कौन से होंगे? कॉपर लॉस, कोर लॉस, वेरी गुड, कॉपर लॉसेस होंगे एक तो, कौन से मेरे इसके स्टेटर के, प्लस कोर लॉसेस होंगे, ठीक है। और ओके, अब जो मुझे पावर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा मुझे? पीजी। इसको कौन सा पावर कहते हैं? एयर गैप पावर, ठीक है। यानी एक्चुअल ये मुझे मिल रहा है कहाँ पे, आपके इनपुट, दिस इज द इनपुट टू रोटर। अब रोटर आया, ओके, अब रोटर में क्या क्या लॉसेस होंगे बताइए? कॉपर लॉसेस रोटर के, ठीक है, और कोर लॉसेस होंगे क्या? कोर भी मानते हैं, लेकिन कोर लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। क्यों क्यों नेग्लेक्ट कर देते थे? क्योंकि ये जो जो कोर लॉसेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। अब मुझे बताओ रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? भूल गए आप सब, मैं बता चुका हूँ, 1-3% ऑफ। हाँ 2-3, यानी मैं कह सकता हूँ अगर ये 50% है और मेरी स्लिप 1% है तो कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? 0.5 हर्ज, बहुत कम है। तो फ्रीक्वेंसी इतनी कम, तो क्या एक कोर लॉसेस होंगे किसके अंदर? नेग्लिजिबल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट के होंगे, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते थे। याद आया कुछ, है ना? अब मुझे क्या मिला? आउटपुट पावर मिला। ये आउटपुट पावर किसको मिला है? शाफ्ट में। अब मुझे बताओ, सॉरी ये आउटपुट पावर नहीं, डेवलप पावर है, सॉरी, है ना, दिस इज माई डेवलप पावर। अब डेवलप पावर के बाद में यहाँ पे मुझे आउटपुट पावर मिल रहा है, तो यहाँ पे अलग और लॉसेस आ रहे हैं। यहाँ पे कौन से लॉसेस आ रहे हैं बताइए? फ्रिक्शन एंड वेरी गुड, विंडेज। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये भी मेरे क्या है? कांस्टेंट लॉसेस है। तो ये मेरा पावर फ्लो डायग्राम था, आप समझ चुके हैं। तो नो लोड लॉसेस से क्या कौन से आएंगे मेरे कांस्टेंट लॉसेस? कांस्टेंट लॉसेस कौन से? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस घूम रहा है मेरा, ये आएगा, और कौन कौन से आएंगे? कोर लॉसेस आएंगे, ठीक है। और जो नो लोड लॉसेस है, जो नो लोड टेस्ट है, वो कहाँ पे आता है? आपके ओपन सर्किट होता है और रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है, ठीक है, वही सेम ट्रांसफार्मर ओसी टेस्ट होता है जो। अब यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, रोटेटिंग स्पीड है, वो जब नो लोड हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि NR अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? NS। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस वाले के अंदर अगर आप पुट करोगे स्लिप की वैल्यू, 1/S-1, दिस वॉज अवर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, तो क्या आएगा? स्लिप की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट हो रहा है, तो ये मेरे पैरामीटर हट गए, ठीक है। और ये रेटेड लोड, रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड करंट पे नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉपर लॉसेस हैं वो नलीफाई हो जाएंगे, नेग्लेक्ट एट करंट एज करंट इज वेरी लो, ठीक है ना। करंट क्योंकि कौन सा फ्लो करेगा वो नो, नो, आपके नो लोड टेस्ट में? नो लोड करंट, जो कि क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब मेनली जो हमें जो नो लोड टेस्ट से डाटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? कांस्टेंट लॉसेस का, ठीक है, डब्ल्यू नॉट, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ओके। मैं एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पे थ्योरी में बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ दिस वॉज द डाटा। तो अब मुझे कौन कौन से पैरामीटर मिलेंगे मेरे को यहाँ से? एक तो ये मिलेंगे, यानी शंट ब्रांच के पैरामीटर्स मिलेंगे, साथ साथ में नो लोड का पावर फैक्टर एंगल मिल जाएगा मेरे को फाई नॉट, ओके, यहाँ से W नॉट डिवाइडेड बाय रूट 3 VI नॉट। तो ये मेरा कहाँ से मिला? नो लोड टेस्ट से, ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है शॉर्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट, ओके। ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम क्या करते हैं? रोटर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, रोटर को हमने ब्लॉक कर दिया, यानी रोटर मूव नहीं कर रहा। रोटर मूव नहीं कर रहा तो NR की स्पीड क्या होगी? 0। सी दिस, तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ओके, स्लिप की वैल्यू हो गई 1। अब इसके अंदर 1 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? 0, यार 0, यानी रेजिस्टेंस मेरा 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ब्लॉक रोड टेस्ट किसकी तरह बता रहा है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? मेरा मेरा रेटेड, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। और ब्लॉक रोड टेस्ट हम क्या कहाँ पे करते हैं? रेटेड करंट पे करते हैं। किस पे करते हैं? रेटेड करंट। तो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट तो बहुत ज्यादा होगा,
जो रेटेड वोल्टेज पे, तो हमको कम वोल्टेज देनी पड़ेगी रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है। मेरे वोल्टेज क्या होगा, बहुत कम, 5 to 10% सफिशियंट टू एंश्योर रेटेड करंट। तो अब 5 से 10% मेरी रेटेड वोल्टेज है, तो ये तो पूरे नो लोड लॉसेस, जो कॉन्स्टेंट लॉसेस किस पे डिपेंड कर रहे थे, रेटेड वोल्टेज पे, तो ये तो अब वाट मीटर इनको मेजर ही नहीं करेगा। अब मेरा क्या मेजर करेगा, कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो कॉपर लॉसेस मेजर करेगा ये अपना, ठीक है, कॉपर लॉसेस दोनों के, स्टेटर कॉपर लॉसेस और रोटर कॉपर लॉसेस। ओके दिस वन सी, और यहां से मेरा क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट आईएससी करंट आ जाएगा, रेटेड करंट है ना, आईएससी बोलते हैं जिसको, और साथ ही साथ में क्या आएगा मेरा, शॉर्ट सर्किट एंगल भी आ जाएगा 5SC, ठीक है। और इससे क्या क्या आएगा मेरा, कौन से पैरामीटर आएंगे, सीरीज पैरामीटर। ओके, और ये मेरा स्टेटर था, ये मेरा क्या था, रोटर था। तो स्टेटर और रोटर के रेजिस्टेंस आप आराम से अलग कर सकते थे, कैसे, मैंने आपको बताया था डीसी वोल्ट मीटर टेस्टिंग, क्या करते थे हम, तीन वाइंडिंग लेते थे, याद आया आपको, अगर ऐसा कुछ 3-स्टार वाइंडिंग थी स्टेटर की, और इस दो वाइंडिंग एक को ओपन करके इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देते थे और यहाँ मीटर लगा देते थे, तो इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा वी बाई ए। सिमिलरली ये दो वाइंडिंग को करंट कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट इन दो को करेंगे, तीनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो वो तो हमारा है डीसी रेजिस्टेंस, और एसी रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्किन इफेक्ट वो क्या होगा, 1.2 टाइम्स ऑफ डीसी रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो वहां से मेरा क्या आ गया, रोटर स्टेटर का रेजिस्टेंस आ गया, स्टेटर वाइंडिंग का, फिर रोटर का, ये तो R01 इज कंबाइन ऑफ R1 + R2, R1 मेरा आ गया, तो R2 भी आ जाएगा। कैसे आएगा, R01 हम जान चुके हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट से, तो R01 - R1 कहां से आया मेरा, डीसी टेस्ट रेजिस्टेंस से, ठीक है, डीसी टेस्ट से, तो ये R2 आ जाएगा। इस तरह से हम अलग से इनके पैरामीटर निकाल सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग के। तो ये तो बात हुई अपनी ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ अब बात करते हैं सर्किल डायग्राम की, सर्किल डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो हमें जो सर्किल डायग्राम से के लिए डाटा चाहिए, क्या चाहिए, नो लोड टेस्ट से क्या चाहिए, एक तो नो लोड करंट चाहिए और नो लोड का पावर फैक्टर एंगल चाहिए। ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम क्या, शॉर्ट सर्किट करंट और दिस। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लॉटिंग द सर्किल डायग्राम इज टू प्री डिटरमाइन एनी रिक्वायर्ड पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टॉर्क, है ना। एक बार सर्किल डायग्राम बन गए तो आप जब जैसा चाहो कैसे लोड पे भी आप उसका पर्टिकुलर पैरामीटर निकाल सकते हो, व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क, व्हाट इज एफिशिएंसी, ये सब। ओके, सो दिस इज अवर सर्किल डायग्राम। ओके, तो मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था वो सर्किल डायग्राम एक मेथड से बताया था, मैंने कहा था कि दूसरा एक और मेथड है, तो वो आज वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बनाएंगे हम यही, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, मैं बनाऊंगा इसी पेज पे, लेकिन हम इस पे कर रहे हैं, सो लेट मी दिस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वाई एक्सिस खींचोगे। ओके, कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो मेरे को वहीं टोक देना। वोल्टेज वी वन, ठीक है, दिस इज दी वोल्टेज वी वन, वी ले लो आप चे, ठीक है, ये वाली। ओके, सप्लाइड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज है। और अब आपकी, सपोज आपने ये अपने ग्राफ पेपर पे 10 सेंटीमीटर की लेंथ की V1 की, तो सपोज V1 मेरा 230 वोल्ट है, तो मुझे बताओ वोल्टेज स्केल फिक्स हो गई, 1 सेंटीमीटर कितनी कितनी वोल्टेज हो गई, कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 23 वोल्ट, यानी वोल्टेज स्केल मेरी डिफाइन हो गई अब। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट मी ड्रॉ दी नेक्स्ट करंट। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, आई नॉट है मेरे पास। ओके, आई नॉट, देखो रेटाफिकेशन की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो अच्छी सी बात है, आप आराम से बना सकते हो फटाफट, ठीक है। तो आई नॉट है, आई नॉट का डाटा कहां से है, नो लोड टेस्ट से, और ये एंगल है, तो आप जानते हो लैग करेगा, तो हमने फाइन नॉट बनाया। पहले तो आप एक ये लाइन खींच लिए यहाँ पे, ओके सपोज है ना, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, जो ले रहा हूँ वही लेता हूँ, चलो ओ ले रहा हूँ, है ना, ओ। ओके, एंड सपोज दिस इज एक्स। ओके, तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, फाई एंगल पे एक आई नॉट करंट ड्रॉ करूंगा, सी दिस आई नॉट करंट, और ये एंगल कितना है, फाई नॉट। ये कहां से आया मेरा डाटा, आपका नो लोड टेस्ट से, आई नॉट ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना ड्रॉ करोगे, सपोज आपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, तो अब आई नॉट की जो वैल्यू है, सपोज दैट इज सपोज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो मेरी ये करंट स्केल भी डिफाइन हो गई। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग स्केल बनाओगे आप,
ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या ड्रॉ करना है, मेरे पास क्या ना डाटा है, नेक्स्ट मेरे पास डाटा है ब्लॉक रॉ डाटा, इससे मेरे पास क्या डाटा है आईएससी, ओके और फाईएससी, तो अब मैं ड्रॉ करूंगा आईएससी और फाईएससी एंगल, वो कुछ यहां पे होगा, ओके आईएससी कितना ड्रॉ करोगे, अब मेरा करंट डिफाइन हो चुका है, सपोज ये मेरा जो ये करंट आया आईएससी दैट इज 10 एम्पियर है ना, 10 एम्पियर है, तो ये स्केल के अकॉर्डिंग कितना करोगे, एम्पियर स्केल तो मेरी फिक्स हो गई, क्या फिक्स की थी मैंने, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने एम्पियर होंगे, 1/5, ओके तो बस 10 एम्पियर में कितने होंगे आप देख सकते हो, 50, यानी मुझे 50 सेंटीमीटर की स्केल लेनी पड़ेगी, ओके समझ में आ गया ना कैसे वोल्टेज स्केल और करंट स्केल डिफाइन करते हैं, वैसे ये एंगल कितना आएगा, फाई एस सी, ओके। अब आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, दैट इज दी जो करंट होगा वाला, अगर मैं इसको इसमें बनाऊं उसके इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, यहीं बनाता हूं इसके अंदर, दिस इज माय आई एस सी करंट, दिस इज समेशन ऑफ आई नॉट करंट और आई वन डैश रोटर करंट का, है ना, आई एस सी करंट शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो आई एस सी इज इक्वल टू आई वन डैश प्लस आई नॉट, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आई नॉट है और आई एस सी है, तो अब मैं एक लाइन खींचूंगा सिंपल वेक्टर के अंदर, सपोज आई एम टेकिंग दिस कलर, तो ये यहां से लेके इस पे ये लाइन खींच दी, दिस इज माय रोटर करंट आई वन डैश, ओके सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये बन गया यहां पे, इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं, लेट मी, क्योंकि आई एस सी उस तरफ आएगा, थोड़ा सा ओके यहां आया मेरा, ओके ये मेरा आई एस सी हुआ, ये बन गया सिंपल, कोई भी अगर डाट नहीं समझ में आया कैसे बना तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम बनते हैं आई वन, आई वन डैश, यहां से इसको स्ट्रेट नहीं बन रहा, डोंट वरी मैं इसमें बताऊंगा फिर आपको ये बना कैसे, ठीक है। तो अब हमने क्या बनाया पहले, चलो इस पे मैं बाद में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ये आई वन डैश बन गया, ओके। नाउ दिस इज ए पॉइंट एंड सपोज दिस इज पी पॉइंट, अब ए और पी को कोड मानते हुए मुझे एक सेमी सर्कल बनाना है, तो कैसे बनाओगे, एक इसके लाइन के, इसके एक्स के पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, एक्स के पैरेलल में एक लाइन मैंने पैरेलल में ले ली, ओके। अब यहां पे एक ये लाइन है ए से लेके पी तक की बात कर रहा हूं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हो आप आराम से, अपना प्रोटेक्टर यहां रखोगे, ये कैंसिल किया, यहां प्रोटेक्टर यहां रखोगे जहां पे कैंसिल किया, ठीक है, फिर इस तरफ करोगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे हम यहां से, तो वो कहां पे लेना है इसको, इस पैरेलल लाइन पे, यहां पे कट किया सपोज, ओके कहां कट कर रहा है इसको, यहां पे कनेक्ट कट कर रहा है, ये नहीं बनाना मुझे, ओके ये यहां पे करके यहां कट कर रहा है, ओके सो दिस इज दी, सपोज दिस इज वाई, तो ए और वाई मेरा क्या हो गया, एक रेडियस हो गया, अब इसको लेते हुए मेरे को क्या करना है, इतना रेडियस लेते हुए मुझे एक सर्किल बनाना है यहां से, और ये कोड है मेरी, तो देखो बन जाएगा आप आराम से, ये सर्किल बन गया सिंपल, कैसे बना, पहले वाले मेथड में मैंने क्या बताया था आपको कि इसके पैरेलल में लाइन बनानी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, v डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 डैश, वो अलग मेथड था, ये अलग मेथड है, ठीक है ना, ये मैंने बाइसेक्टर से किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका जो अगर ये यहां से लेके ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर, अब 2.5 सेंटीमीटर से परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचिए यहां से, वो कहां पे कट करेगी, इस पैरेलल लाइन पे, और यही मेरा क्या होगा सेंटर, तो ये मेरा सेमी सर्कल बन गया, इसके नीचे वाला जो सर्कल होगा दैट रिप्रेजेंट द इंडक्शन जनरेटर, ओके ये बन गया। अब ये बनने के बाद में तो अपना कितना बन चुका है, सी दिस, दिस इज माय आई नॉट करंट और ये मेरा आईएससी, ओके और ये वाला मेरा क्या है आई वन डैश, ओके इसको मैंने पीएससी लिया है, ओके स्लिप इज इक्वल टू 1 है, यहां पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इतना बन चुका है। अब क्या कर रहे हैं हम,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईएससी से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, दिस वन। सपोज दिस इज पी एंड दिस इज ओके क्यू एंड दिस इज आर। तो अब मुझे बताओ ये बेसिकली क्या है, आई नॉट का क्या है, ये एक्टिव कंपोनेंट है, आई नॉट कॉस फाई। सी दिस, ये लेंथ, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, ये वोल्टेज स्केल हुई, ये वोल्टेज, और ये आई नॉट कॉस फाई, वी आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो ये क्या है, मेरा एक्टिव पावर है, और ये कौन सा है, नो लोड। तो नो लोड पावर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे कांस्टेंट लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज, एज वेल एज स्टेटर के कोर लॉसेस। तो यानी ये जो लेंथ है किस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे स्टेटर के कोर लॉस और कौन से, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो क्यू आर भी वही रिप्रेजेंट करेगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके अगर क्यू, अब मुझे बताओ ये मेरा पी से लेके आर तक, ओके ये किस पे है, ये ब्लॉक रोटर टेस्ट है, और ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मेरे रोटर कॉपर लॉसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी सारे मेरे कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस भी कौन कौन से, स्टेटर का कॉपर लॉसेस, स्टेटर सीयू, रोटर सीयू, ओके प्लस मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, एक क्वेश्चन है आपसे, अगर 50 हर्ज मेरी सप्लाई है तो ये ब्लॉक रोटर टेस्ट पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताइए, ब्लॉक रोटर टेस्ट पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे, ब्लॉक रोटर टेस्ट पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एनीवन? चलो ये बताओ मुझे, ब्लॉक रोटर टेस्ट पे स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, वन है, और हम जानते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एस एफ होती है कि नहीं होती है, तो अगर स्लिप की वैल्यू वन है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ब्लॉक रोटर टेस्ट पे, एफ। एफ मतलब 50 हर्ट्ज। ओके देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, रटो मत, इसको समझो थोड़ा। तो मेरा यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, तो अगर 50 हर्ट्ज है तो मुझे बताओ, अब रोटर रोटर का कोर लॉसेस आएगा कि नहीं आएगा, यानी अब ये रोटर की कोर लॉसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके प्लस स्टेटर के जो कॉन्स्टेंट लॉसेस है वो भी, ठीक है। तो अब आप पूछ रहे होगे कि भाई ये कोर लॉसेस कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, वो इसमें रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर, क्यू आर के अंदर, ओके। जब नो लोड था, नो लोड था तब ये मेरे फ्रिक्शन विंडेज प्लस स्टेटर कोर लॉसेस थे, अब क्या है ये, अगर जब ब्लॉक रोटर टेस्ट है तब मेरे क्या है ये, स्टेटर की कोर लॉस कॉन्स्टेंट लॉसेस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस तो होंगे नहीं क्योंकि रोटर मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा यहाँ पे, रोटर कोर लॉसेस, बट ये बहुत कम होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को किसने रिप्लेस कर दिया, रोटर कोर लॉसेस ने। तो आप तो इसको कॉन्स्टेंट लॉसेस ही मानो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये कॉन्स्टेंट लॉसेस हो गया, तो मुझे बताओ पी से क्यू तक, पी से क्यू मेरा कौन से लॉसेस आ गए, कॉपर लॉसेस। कौन से कॉपर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस और रोटर कॉपर लॉसेस। तो अब आप क्या करोगे, अब मुझे सेपरेट करना है, क्या सेपरेट करना है, रोटर कॉपर लॉसेस को और स्टेटर कॉपर लॉसेस को सेपरेट करना है। तो वो सेपरेट कैसे करोगे भाई, सेपरेट ऐसे करोगे, यहां से एक लाइन खींचोगे और इसको यहाँ बाइसेक्ट करोगे, ये आगे तक जा सकती जाने को, ये सपोज ई है, ओके। तो इस तरह से रेशियो रखोगे पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू, इसका जो रेशियो होगा वो कुछ क्या होगा, आर टू डैश डिवाइडेड बाय आर वन। आर टू डैश क्या है मेरा, रोटर रोटर रेजिस्टेंस, और आर वन क्या है मेरा, स्टेटर रेजिस्टेंस। यानी इस तरह से डिवाइड करोगे कि ऊपर वाला रिप्रेजेंट किसको करेगा, क्योंकि जो कॉपर लॉसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये क्या होगा, पीई को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर कॉपर लॉसेस को, और ई क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर कॉपर लॉसेस को। ओके समझ में आ गया आपको, ये है। तो ये अपना आ गया कि भाई पी से ई, ई से क्यू, पी से ई रोटर कॉपर लॉसेस, ई टू क्यू स्टेटर कॉपर लॉसेस, और क्यू से आर मेरा कांस्टेंट लॉसेस जिसमें फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस और स्टेटर कॉपर लॉसेस शामिल है। ओके तो और आउटपुट मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट कर रहे हो, आउटपुट घूम ही नहीं रही मशीन। चलो अब हम क्या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, सी है ना, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पी ले रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में यहां से पॉइंट पी ले लिया, तो एक
यहां से खींचना है एक लाइन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? रोटर करंट I2 डैश, और ये यहां से करोगे इसको I0 से, I0 प्लस I1, I0 क्या है मेरा नो लोड और I1 क्या मेरा स्टेटर करंट, तो यही बनेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा यहां पे नीचे तक, तो आपको ये जानते हो ये क्या होंगे, नो लोड लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस। अब अपने जो डायग्राम है उस पे आते हैं एक्चुअल, तो कुछ ऐसा बन गया, ये पता चला कैसे बना अपना, सिंपल देखो ये पी मैंने पॉइंट ले लिया और मैंने यहां पे लाइन गिरा दी, और इस लाइन को जो ज्वाइन की थी मेरे को, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली, ये आउटपुट लाइन है और ये मेरी टॉर्क लाइन है, कैसे वो देखेंगे हम। ओके, तो यहां कोई पर्टिकुलर लोड, कोई भी पर्टिकुलर लोड पे मैंने पी ले लिया और गिरा दिया। अब मुझे बताओ डी टू ई, डी टू ई तो मेरा क्या होगा, डी टू ई मेरा कॉन्स्टेंट लॉसेस है ना, नो लोड लॉसेस। नेक्स्ट, अब अगर आप ट्राइंगल ये वाला देखो और ये वाला ट्राइंगल देखो बड़ा वाला, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो इससे मैं कह सकता हूं ये लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है इसको भी, तो मैं कह सकता हूं अगर व्हाट इज दिस पीएससीएफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बताओ, चलो बताइए पीएससीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर कॉपर लॉसेस एट विच कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, अब मुझे बताओ बीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताइए बीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रोटर कॉपर लॉसेस करेगा ना, लेकिन कौन सी कंडीशन में, एट पर्टिकुलर लोड, इस लोड पे या इस इनपुट पावर पे, समझ में आया, इस इनपुट पावर पे बीसी रिप्रेजेंट दी रोटर कॉपर लॉसेस। सिमिलरली एफजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, स्टेटर कॉपर लॉसेस, तो सीडी क्या रिप्रेजेंट, स्टेटर कॉपर लॉस एट विच कंडीशन, शॉर्ट सर्किट। तो अब मुझे बताओ ये जो रिप्रेजेंट करेगा सीडी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर कॉपर लॉसेस एट विच कंडीशन, एट दिस इनपुट और एट दिस पावर, एट दिस लोड, समझ में आया। तो इक्विलेट ट्राइंगल मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा है बार बार, ट्राइंगल पी नॉट डीबी एंड ट्राइंगल पी जी पी एस सी आर इक्विलेंट, सिमिलरली पी डी, ये प्रूफ किया है कि बी सी, बी सी बाई सी डी इज इक्वल टू पी एस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ जी, ये नोट्स में प्रूव्ड है, मैं कर चुका हूं, ठीक है, बार बार नहीं कर रहा। ओके चलो, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड लॉस, जो मेरे कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब यहां से मुझे बताओ फिर से, अब ये पी से लेके ई तक, पी से लेके ई तक ये मेरा क्या होगा, इनपुट पावर, पीई मेरा क्या है, इनपुट पावर। चलो अब पीई को मैं क्या लिख सकता हूं, पीबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डी, तो अब आप जानते हो डी को क्या लिख दिया मैंने, नो लोड लॉसेस। सिमिलरली बीसी प्लस सीडी मेरे क्या है, कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस। तो अब मुझे बताओ ये ऊपर वाला जो पार्ट बचा पी से लेके बी तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आउटपुट, वेरी गुड। अगर मैं यहां पे पॉइंट यहां पे ले लूं और लाइन गिराऊं एक, फिर से ये लाइन के ऊपर ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा मेरा, आउटपुट। तो इसलिए कहीं भी खींचो आप, मेरा आउटपुट बनेगा। तो ये इसलिए लाइन का ना, ये पूरी लाइन, लाइन क्या कहलाई, आउटपुट लाइन, ठीक है। तो आप सिंपली भाई वो स्केल से मेजर कर सकते हो कितनी लेंथ है, और पावर्स की स्केल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पावर्स की स्केल कहां से डिफाइन करी हमने, यहां से। ओके, इतना नो लोड पावर इज इक्वलेंट टू दिस। ओके, तो ये आ गया मेरा सिंपल, समझ में आ गया आपको। ओके नाउ, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है दूसरा। चलो अब मुझे बताओ, हमने यहां पे पढ़ा था दिस एयर गैप पावर, एयर गैप पावर के अंदर मेरे क्या होंगे, एयर गैप पावर में बेसिकली अगर हम पढ़ रखा है हमने जो रोटर कॉपर लॉसेस है PCU, वो क्या था, एस ऑफ पीजी था, एस ऑफ पीजी। तो एयर गैप पावर कहां से आएगा, एयर गैप पावर इनपुट पावर था, तो उसके अंदर क्या थे, मैंने कांस्टेंट लॉ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दी, किसमें, डी और ई में। ओके, और ये मेरा डी और सी कहां से आएगा, स्टेटर में। तो एयर गैप पावर इज दिस, यहां पे मेरा क्या है, रोटर। तो अब रोटर के जो भी लॉसेस है और प्लस आउटपुट, दैट इज एयर गैप पावर ओनली। तो एयर गैप पावर मैं कह सकता हूं आउटपुट
प्लस रोटर कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू एयर गैप पावर. फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस को कांस्टेंट को मैंने कहां कंसीडर कर दिया, इसके अंदर. तो कह सकता हूं सी दिस, एयर गैप पावर इज पीएम प्लस पीसीआर. अगर मैं यहां लाइन खींचू तो वो फिर से क्या आएगा, पी आउटपुट यहां तक और ये वाला क्या है मेरा कॉपर लॉसेस. तो ये पूरी कौन सी लाइन कह सकता हूं, एयर गैप लाइन एक लाइन कह सकता हूं. और एयर टॉर्क कैसे निकालते हो आप, एयर गैप टॉर्क, एयर गैप पावर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टॉर्क. तो ये टॉर्क कहां से आई, इस एयर गैप से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टॉर्क लाइन. कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है. ये समझ में आया आपको क्या किया मैंने, ठीक है. एयर गैप पावर आ गया अपने पास. अगर आपको एयर गैप पावर कोई पूछे तो सिंपल क्या करना है, दिस पी से के सी तक मेजर करना है, दिस इज माय एयर गैप पावर. चलो नाउ नेक्स्ट, हमें स्लिप मेजर करनी है. स्लिप, ओके, स्लिप बेसिकली क्या हो रही है आपकी, रोटर कॉपर लॉसेस पी सी आर इनटू पीजी. ये तो किया था, एस ऑफ पीजी इज रोटर कॉपर लॉसेस. तो पीसीआर की स्लिप क्या हो गई, रेशियो ऑफ पीसीआर अपॉन पीजी. तो पीसीआर क्या है, पीसीआर की लेंथ कौन सी है, पीसीआर की लेंथ बताओ कौन सी है, बता सकता है मुझे कोई. एस इज रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस एंड एयर गैप पावर. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इससे, रोटर कॉपर लॉसेस की जो लेंथ इसमें पी से लेके ई में पीसीआर की वैल्यू कौन सी है बताओ, बीसी. वेरी गुड, बीसी, ये बीसी लिख दिया मैंने. नाउ पीजी, पीजी कितनी है बताओ, पीजी बताइए, एयर गैप पावर पीसी. वेरी गुड, पीबी प्लस बीसी, यानी मैं इसको कह सकता हूं पीसी डायरेक्ट. यानी आप ये लेंथ मेजर कर लो और डिवाइडेड बाय ये लेंथ मेजर कर लो, तो मेरे पास क्या जाएगा, स्लिप आ जाएगा. चलो अब मैं निकालना चाहता हूं एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट. कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, पी आउटपुट कौन सी लेंथ है, पीबी. पीबी, वेरी गुड. और इनपुट पीई. पीई, वेरी गुड. ये आ गया, तो एफिशिएंसी भी आ गई, स्लिप भी आ गई. आप जैसा चाहो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. रोटर कॉपर लॉस बोले तो ये रहा, स्टेटर कॉपर लॉस बोले तो ये रहा, नो लोड लॉस बोले तो ये रहे. ओके, अब आपको कोई पूछे मैक्सिमम आउटपुट लाइन, मैक्सिमम आउटपुट बताओ, तो कुछ नहीं करना. आउटपुट लाइन दिख रही है आपको, आउटपुट लाइन के पैरेलल में आप सर्किल पे इस तरह से लाइन खींचिए कि वो टेंजेंट हो उसको. तो सी, आउटपुट लाइन मैंने यहां पे खींची, तो दिस यहां पे इसको कट कर रही है टेंजेंट इसके पैरेलल में. सो दिस पी वन यहां पे जो मुझे मिल रही है, दिस इज माय मैक्सिमम आउटपुट पावर, है ना, मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट है ये, इतना आउटपुट मिल रहा है. अब कोई पूछे मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, तो ये टॉर्क लाइन के पैरेलल में आप खींचिए, तो वो यहां बनाई मैंने यहां पे, तो ये हुई, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना. तो दिस इज द सर्किल डायग्राम, अब तो आपको समझ में आना चाहिए. ओके, तो प्लीज ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इतना नहीं पूछा जाता, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होता है, उसका कन्वेंशनल पेपर होता है ना. कन्वेंशनल पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है क्योंकि टाइम मिलता है. ओके, और आरटीयू में आपके आ सकता है, तो आप बना सकते हो, आप रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, सारी लाइनें बना सकते हो आप, तो रट जाना चाहिए आपको कैसे. ओके, सो दिस इज द सर्किल डायग्राम. तो अब आपको ये देख लिए डाटा, ये हम देख चुके, नो लोड टेस्ट ऑलरेडी देख चुके, शॉर्ट सर्किट देख चुके, और ये मैथ यहाँ पे भी दे रखा है, स्टेप्स टू ड्रॉ द सर्किल डायग्राम, ये ड्रॉ किया है ना. तो आपको जो पसंद आए वो कर सकते हो, ठीक है. तो अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 के अंदर आपको लिखना क्या है, ये सर्किट डायग्राम तो ऑलरेडी बना चुके हो, तो आपको सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव कितना लिखना है, यहां से लेके यहां तक. ओके, यहां से यहां तक लिखना है. नो नीड टू राइट अपैरेटस रिक्वायर्ड, सीधा नो लोड टेस्ट ब्लॉक लोड टेस्ट ऑलरेडी लिख चुके हो, नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है ये स्टेप्स टू ड्रॉ सर्किल डायग्राम. स्टेप्स भी मत लिखो, आप थ्योरी में मैं दे चुका हूँ, डायरेक्ट सर्किल डायग्राम बना दो आप, ठीक है. ऑब्जेक्टिव के बाद में, एम के बाद में डायरेक्ट सर्किल डायग्राम. और सर्किट डायग्राम आप ये दोनों बना चुके हो किसके अंदर, नो लोड और ब्लॉक लोड टेस्ट के अंदर, ये देख चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है. ऑब्जर्वेशन टेबल की भी जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेशन आ जाओ, ठीक है. कैलकुलेशन जरूरी है क्योंकि ये कैलकुलेशन ही काम में आती है, सर्किल डायग्राम बनाने में आती है, ब्लॉक रोटर और सीधा रिजल्ट, बस इतना करना है. सर्किट डायग्राम इसमें बनाना नहीं, क्यों, आप नो लोड और ब्लॉक रोटर इसमें बना चुके हो, तो डायरेक्ट आपको सिर्फ सिंपल क्या बनाना है, आपको सर्किल डायग्राम बनाना है, ठीक है. सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.